स्टार्ट विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एलसीएम एचसीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम है क्या चीज़। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल की माना तो आपको पता है कि कॉमन मल्टीपल माना जो भी किसी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी एक डिजिट है उसको हम किसी से भी माना वो मल्टीप्लाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 20 है तो हम उसको 2 10s 20, 2 0s 10 ये हमारे पास 20 बन जाता है, और 5 4s 20 ये भी हो जाता है। 20 × 1 = 20 इसको हम बोलते हैं ये कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट उसको बोलते हैं जो सबसे छोटे में छोटा आदद हो जो उसको डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 डिजिट हम ले लेते हैं 8 और 20 हमने ले लिया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल की लिस्ट कॉमन वो है जो इन दोनों में से जो छोटे में छोटा आदद हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है, 2 इन दोनों को जो है ना वो डिवाइड करे। दो जो है, 2 का पहाड़ा 8 पे भी जाएगा और 20 पे भी जाएगा, ऐसा आदद जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 जो 2 है, 2 का पहाड़ा 8 पे जा रहा है। 2 4s 8 और 2 10s 20, 2 2s 4, 2 5s 10, 2 1s 2 और 5 इधर सेम आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे 5 1s 5, 2। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 × 2 × 5 = 2 2s 4, 4 2s 8, 8 5s 40। अब ये जो हमारे पास ये 40 निकला है, ये हमारे पास 8 के टेबल में भी होना चाहिए और 20 के टेबल में भी होना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह। ये 8 का टेबल है हमारे पास, ये हमारे पास 8 का टेबल है, और उसके बाद ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास 20 का टेबल है। अब हमारे पास ये क्या निकला था, हमारे पास ये निकला था 40। 8 के टेबल के अंदर देख लेते हैं हम, ये 40 है हमारे पास, 8 5s 40, और इसके टेबल में भी हमारे पास 40 है, 22s 40, 8 5s 40, ये हमारे पास दोनों टेबल में आ गया। और उसके बाद हम जो है वो देख लेते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स जो फॉर एग्जांपल अगर हम यही ले लेते हैं डिजिट सेम ले लेते हैं 8 एंड 20, जो 8 है, 8 के हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 8 की, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 1s 2, और अब हम इसकी 20 की निकाल लेंगे एचसीएफ, 2 10s 20, 2 5s 10, 5 1s 5। अब जो हमारे पास एच सी एफ निकली है 8 की, वो हमारे पास निकली है 2 2 × 2 × 2, और हमारे पास जो 20 की निकली है = 2 × 2 × 5। एच सी एफ के अंदर क्या कह रही है, कॉमन फैक्टर होने चाहिए, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसके अंदर होना चाहिए। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हम पहले निकाल लेते हैं, पहले हमारे पास तो ये आ रहे हैं कॉमन फैक्टर, ये 2 का निकल गया, ये इसका सेकंड कॉमन फैक्टर निकल गया, उसके बाद ये 2 है और ये 5 है, ये एक कॉमन फैक्टर नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है, तो इसलिए हम इनको नहीं निकालेंगे। ये हमने लिख लिया 2 × 2, ये इसके दो फैक्टर सेम है, = 2 × 4, 4 हो गया ये हमारे पास, ये इसका क्या है 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।